हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को शुभकामनाएं, सभी को नमस्कार, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज इस 71वें गणतंत्र दिवस की। दोस्तों, ये शाम का समय हो गया है। आज 71वें गणतंत्र दिवस आज अपनी शाम पर है। और देखिए, हम लोग रिपब्लिक कंट्री में रहते हुए 71 साल हो गए हैं। 1950 में आज ही के दिन रिपब्लिक हुए हैं हम। और ऑफिशियली हम पर जो है, ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान हम पर लागू हुआ। लागू होना यहाँ पर हम ना कह के हम कहें कि हमने संविधान को स्वीकार किया आज से, आज के दिन से, तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको इस स्वतंत्र भारत में, इस गणतंत्र भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, रुकने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो हम सब भारतीयों को इस पर गर्व करना चाहिए। और मैं भी आप सबको इस शुभकामना संदेश के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, वी ऑल प्राउड बी एन इंडियन। सो ये तो शुभकामना संदेश है हमारी तरफ से आप सभी को 71वें गणतंत्र दिवस के लिए, रिपब्लिक डे के लिए। साथ ही साथ कुछ आज मैं बातें करने आया हूँ अपने उन यूट्यूबर्स के साथ, यूट्यूब फ्रेंड्स के साथ, जो लगातार हमारे साथ इस सफ़र में रहे और हमारे सफ़र को सफल बनाते चले गए। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने आप लोगों को बेसिकली FCI की तैयारी करवाई और FCI के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। और यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो सफल भी हुए, सिलेक्शन भी हुआ उनका। जैसा कि हमारा नाम ही है सिलेक्शन मेंटर, तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारे कह सकता हूँ कि इस पूरे परिदृश्य में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने काम किया है वो हमारे मैथ्स मेंटर अंकुर शर्मा सर हैं। उन्होंने आपको सच में एक मेंटर की तरह बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ाया। और हमारी टीम ने भी जब जब ज़रूरत पड़ी तो आपको सहायता प्रदान करी है, बहुत सारे संदेश उन्होंने आपको दिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन FCI बाय आवर टीम। और हम चाहते हैं कि ये सिलेक्शन का जो रेशियो है वो और आगे बढ़ता रहे। तो जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से रिक्वेस्ट करूंगा, दुआ करूंगा उनसे, आपके लिए मांगूंगा कि आप सब और आगे बढ़ें, और आगे जाएं, और आगे सफलता प्राप्त करते रहें। इसी तरीके से FCI प्राप्त करके अभी आपको रुकना नहीं है, अभी आपको और आगे बढ़ना है, और आगे जाना है। ठीक है, तो हम लोग गाइड करेंगे इसके लिए और आगे क्या करना है। तो वैसे तो आपको मैं बता दूं कि जब आप लोगों का सिलेक्शन हुआ तो बहुत सारे शुभकामना संदेश यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, विंडो पे आए हम लोगों के। और बहुत सारे अभी अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कंटिन्यूअस। तो इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों से, आप सब लोगों का इतना कह सकता हूँ कि सम्मान मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। बहुत सारे लोग लेके भेज रहे हैं, सर आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, हमारी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन आपकी वजह से ही हुआ है डेफिनेटली। लेकिन हाँ, जैसे कि हमें सीढ़ियाँ स्वयं ही चढ़नी होती हैं, तो हम चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, लेकिन सीढ़ियाँ होती हैं वास्तव में सहारा ऊपर जाने के लिए। तो सिलेक्शन मेंटोर जो है यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों के लिए स्टेयर्स का काम करता है हमेशा। और चलना तो आपको ही है, हम बस आपको अच्छे रास्ते दिखा सकते हैं, आपको आगे तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ शुभकामना संदेश हम लोगों के पास आए हैं, कुछ लोगों ने रिप्लाई किए हैं, तो मैं उसके बारे में भी अभी आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन में दिखा दूंगा। सबके तो नहीं मैं दिखा सकता, जितने भी हो सकते थे उनमें से कुछ मैंने आपको जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार से आप लोगों के शुभकामना संदेश मिले हैं। बहुत सारे शुभकामना संदेश मिले हैं चैनल के माध्यम से, तो मैं यहाँ पर कुछ आपको उनमें में से दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर राबिया ग्रोवर जी हैं, उन्होंने लिखा, आई ओनली बिलीव इन योर यूट्यूब वीडियोज थ्रू आउट द होल प्रोसेस। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी है कि इन्होंने सिर्फ इसी चैनल पे बिलीव किया है। थैंक यू सो मच राबिया ग्रोवर जी। आगे जो है रितु जी लिखती हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, रितु द्विवेदी जी, एंड योर वीडियो इज रियली वेरी हेल्पफुल। ये बिल्कुल सही बात है, आप लोगों की सहायता करने के लिए ही हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया था। नीचे देखिए, आजमा मिर्जा जी लिखती हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन, यू ऑलवेज इनकरेजेज अस एंड लर्न मोर इन आवर वर्क। तो अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने ही हार्डवर्क किया, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हुआ है, हमने आपको सपोर्ट किया, आगे भी सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर प्रवीण जी लिखते हैं, थैंक यू सिलेक्शन मेंटर फॉर योर सपोर्ट थ्रू आउट दिस अमेजिंग जर्नी। सिलेक्शन तो नहीं हुआ है, देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट ये जानते हैं कि हमने मेहनत की है। और मैं इनके लिए अभी ज़रूर, प्रवीण जी और प्रवीण जी जैसे और जो लोग हैं उनके लिए अभी इस संदेश में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ
कहूँगा आगे, आप ध्यान पूर्वक उसे सुने। आगे देखते हैं किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अमृत यादव जी का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर ऋषभ तिवारी जी ने लिखा हुआ है, आदित्य झानी जी ने लिखा हुआ है, यहाँ पर अमृत जी लिखते हैं सिलेक्शन मेटर इज अनएक्सपेक्टेड वे ऑफ लर्निंग। सो अनएक्सपेक्टेड वे ऑफ लर्निंग तो आपका है सर, कि जो हम आपको बताते हैं वो आप सीखते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं। बस हम लोग का तो अपना एक्सपीरियंस है, अंकुश सर का अपना एक्सपीरियंस है। यहाँ पर रीजनिंग मेंटर जो हैं उन्होंने आपको बहुत कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाई गई है। करंट अफेयर्स, शायद आप मेरी आवाज़ पहचान रहे होंगे, कुछ दिन मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं जब रिटर्न हुए हैं आपके, तो कुछ दिन बताया है क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय बच पाता था। पर अभी देखते हैं आगे क्या हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो रुबिया यास्मीन जी हैं, उन्होंने भी शुभकामना संदेश दिए हैं। ऋषभ शर्मा जी ने दिए हुए हैं, हेमंत पवार जी हैं। देखिए सभी के कितने अच्छे अच्छे आप यहाँ पर आराम से पॉज करके इनको पढ़े, ये इसको इसको क्यों मैं बता रहा हूँ, इनको पढ़ने से मोटिवेशन मिलता है। आप तमाम तरीके के मोटिवेशन वीडियोज देखते हैं, इट इज जस्ट लाइक वन ऑफ देम, कि आप इसको देखेंगे तो आपको भी अगर आप चूक गए हैं तो मोटिवेशन मिलता है, और हमें तो मिलता ही है। मैं भी, आप देख सकते हैं हमारी आवाज़ में इतनी खुशी होगी कि मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, एक लोगों के, दो लोगों के, चार लोगों के प्रयास से, तो ये कितनी बड़ी बात है एक चैनल के प्रयास से। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर शिवानी जी हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस, आपकी वजह से बस सिलेक्शन हुआ है। तो ये तो सीधा सीधा मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, कितना अच्छा अच्छा कमेंट आप लोगों ने किया है ये सब। लेकिन मैं हर बार कहूंगा कि अगर हम लोगों ने आपको गाइड किया है तो उससे अच्छी बात है कि आप, आपको जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिया आपने उनको माना है, आपने फॉलो किया है, तब आपका सिलेक्शन हुआ है, ये और उससे बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए सभी लोगों के नाम यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिनेश पांडे जी कहते हैं, सर ड्यू टू योर कॉन्स्टेंट एफर्ट एंड गुड गाइडेंस आई एम एबल टू सेलेक्ट AG3 डिपो। थैंक यू सर, लव यू लॉट। एंड दिनेश मैं भी कहना चाहता हूँ कि सिलेक्शन मेंटर ऑल्सो लव यू अलॉट, दिस चैनल ऑल्सो लव यू अलॉट। आप सब लोगों के इस प्यार की वजह से बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सभी लोग बहुत प्रोत्साहित हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबका नाम मैंने लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों का नहीं लिखा है, उनका भी मैं थैंक यू बोलता हूँ यहाँ पर, उनको, उनके लिए भी थैंक यू है, सबके लिए थैंक यू है सर। यहाँ पर देखिए डेविड जी हैं, उन्होंने भी किया है, कुणाल जी ने किया हुआ है, तो सभी के यहाँ पर नाम है, सभी के यहाँ पर नाम है, जितने मैक्सिमम हो सकते थे, और भी हैं, और भी हैं, अभी भी आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने लिखी हैं, हमने तो कभी सोचा नहीं था। यहाँ पर राबिया जी लिखती हैं, आई ओनली बिलीव इन योर वीडियोज थ्रू आउट द होल प्रोसेस, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर इन्होंने भी देखिए लियो करके है कोई उनका नाम, कुछ क्वेश्चन जरूर हैं इनके, पर यहाँ पर इन्होंने देखिए थैंक यू सो मच लिखा हुआ है, इनकी सहायता, हमारी सहायता से इनका सिलेक्शन हुआ है। सो दोस्तों ये तो कुछ व्यूज थे जिनकी, जिनको मैं आपको दिखाना चाहता था कि देखिए कितने खुशी से आप लोगों ने यहाँ पर हमारी मेहनत को, हमारे मेहनत को, हमारे प्रयासों को सराहा है। हम भी आपके इस सम्मान के भूखे रहते हैं, आपसे आगे भी इस प्रकार का सम्मान पाना चाहेंगे। अब मैं उन लोगों के लिए बात कर लेना चाहता हूँ जो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो पाए हैं और थोड़ा सा निराश हैं। पर देखिए अभी मैंने एक लोगों का यहाँ पर आपको वीडियो दिखाया था, मैसेज दिखाया था, जिसमें उन्होंने थैंक्स किया है हमें, बट बहुत ही सैड, मतलब उसको पढ़ने में भी थोड़ा सा सैड तो लग ही रहा है कि अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो असफल नहीं हुए हैं। आप ऐसे ना मानिए कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं असफल हो गया हूँ। हाँ, आप FCI में उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में असफल हो गए हैं, कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल हो गए या निराश हो गए हैं, ठीक है। थोड़ी मेहनत और करनी है, इसका मतलब ये है। और ये भी हो सकता है कि, हो सकता है कि ये पोस्ट आपके लिए ना बनी हो सकता है कि इससे अच्छी पोस्ट आपका वेट कर रही हो और अच्छा आपके लिए कुछ वेट हो रहा हो, तो आप इस पर भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। और यहाँ तक तो मैंने भी सुना है, आपने भी डेफिनेटली सुना होगा, नर हो ना निराश करो मन को। मैथिली करण शरण गुप्त जी की ये जो लाइन है ये इन्हीं समय पर बहुत ज़्यादा काम आती हैं। सो मैं इसके कुछ बोल आपको सुना देता हूँ, शायद आप मोटिवेट हों। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, संभलो कि सुयोग न चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को ना निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। देखिए इस चीज़ में आपको ये
बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि आपको निराश नहीं होना है। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। अंडरलाइन करने वाला ये आपके मन में होना चाहिए। तो ये मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा पॉइंट है, आप समझिए। ठीक है, हम भी कुछ हैं या ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। और मैं आपको ये भी उनकी जो अंतिम पॉइंट हैं उनको मैं भी बोल दे रहा हूँ। प्रभु ने तुमको कर दान किए, इसका मतलब ये कि भगवान ने आपको हाथ दिए हैं। सो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन मेंटोर ने बहुत मेहनत करी, आपने भी उसके साथ बहुत मेहनत करी, अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, सब वांछित वस्तु विधान किए। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, सब कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उनके मन को, नर हो न निराश करो मन को। तो ये अंतिम पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके लिए भी ये मैं समर्पित कर रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी की तरफ से मैं सबको यहाँ समझाना चाहता हूँ। देखिए बहुत ज़रूरी है इस समय आपको ये समझना कि आपका सिलेक्शन आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट टाइम में आप देखिए FCI की तैयारी तो आप लोगों ने करी, कोई बात नहीं। इस समय SBI का फॉर्म है, आप मालूम है कि इस समय करंट रनिंग में है SBI का फॉर्म। तो बस लग जाइए तैयारी में। ठीक है, करना क्या है उसमें, बिल्कुल निराश थोड़ी होना है उसमें, तुरंत आपको तैयारी में लग जाना है। इंतज़ार किस चीज़ का करना है, आप SBI में जाइए। FCI में नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप SBI में जाइए, तो प्रोसेस तो उसी तरीके का है, कुछ अलग तो है नहीं। ठीक है, और ये भी मुझे साथ ही साथ बता दिए कितने लोगों ने, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताइए कितने लोगों ने SBI का फॉर्म भरा हुआ है। इनमें में से आप अगर बताएंगे तो थोड़ा डेटा मुझे भी समझ में आएगा कि क्या लोग आप में से जो डिसेलेक्ट हुए हैं क्या वो SBI की तैयारी कर रहे हैं। कर रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में किसने किसने SBI का फॉर्म फिल किया, ज़रूर बताइएगा। RRB का रीजनल रूरल बैंक का एग्ज़ाम कैलेंडर IPS ने जारी किया है, अगस्त में उसका एग्ज़ाम होना है। तो अभी भी आपके पास इसके लिए 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, तो उसमें लगा दीजिए दम, लगा दीजिए जोर और बढ़ा दीजिए एक कदम सफलता की ओर। क्यों? क्योंकि आपके साथ है सिलेक्शन मेंटोर। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि हम सब लोग आपके साथ हैं, हर कंडीशन में आपके साथ हैं दोस्तों। और हम बहुत जल्दी, अभी देखिए FCI का जिस तरीके से सफलता मिली है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम दूसरी चीज़ों की तैयारी के लिए भी आगे बढ़ेंगे। रेलवे में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा, और अभी जैसा कि आपको मालूम है कि अभी रेलवे एग्ज़ाम नहीं करा पाया है, तो ये कुछ कंडीशन में गुड भी है, कुछ कंडीशन में बैड भी है। तो कुछ प्रयास करेंगे कि हम डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से और या किसी प्रकार से GS के माध्यम से आपका जो ये कह सकते हैं कि रेलवे का प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू कराएं, और SBI में हम आपको रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश की सहायता से आपका SBI प्रिपरेशन कराएं। सो अब हम मूव करेंगे, मूव ऑन होंगे FCI से, आगे और बढ़ेंगे बैंक और SSC और साथ ही साथ रेलवे वगैरह की प्रिपरेशन कराने के लिए। सो आई होप कि आप सब फिर से हमारा साथ देंगे, फिर से आप हम सब लोगों के साथ जुड़ेंगे, और जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनको फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। और उनसे थोड़ा सा, जितने लोग मुझे सेलेक्ट हुए हैं उनसे मैं अगर आपसे बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, अगर छोटी सी आपसे गुरु दक्षिणा के तौर पर भी अगर मैं कुछ मांग लूँ, तो यदि अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जो सेलेक्शन चाहते हों, जो कह सकता हूँ कि मैं बैंक या SSC की तैयारी करते हैं या फिर रेलवे की तैयारी करते हैं, या फिर वे यूपी से बिलोंग है और यूपी पुलिस की तैयारी वगैरह करते हैं, तो आप उन्हें रिकमेंड करिए हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम बहुत जल्दी अब इसे वाइड करने वाले हैं। इसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि विस्तार से फैल करके सामने आने वाले हैं, क्योंकि अभी FCI में हमको सफलता मिली है, तो हम आगे भी बढ़ेंगे इस तरीके से, और डेफिनेटली हम FCI के लिए तो हैं ही। ठीक है, सो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैसेज करिए, उसमें हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे 9121815869 पर, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को कह सकते हैं कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से जाके भी जा सकते हैं, या आप टेलीग्राम में सिलेक्शन मेंटर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो सो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से जाते जाते मैं आपको 71वें जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसके लिए शुभकामना संदेश के साथ अपने आप को मैं आपके प्रति समर्पित करते हुए ये जो संदेश है इसको समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर एंड कमेंट।